रामपुर उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से अपना प्रत्याशी अर्शद गुड्डू को बनाया गया है। आज कांग्रेस प्रत्याशी अर्शद गुड्डू ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मेरी यह लड़ाई जुल्म के खिलाफ है। यह चुनाव में अहम मुद्दा है बेरोजगारी और युवा बेरोजगार है। पहली प्राथमिकता है बेरोजगारी दूर करना। देखिए, जालिम के हम साथी नहीं है। हमेशा से कांग्रेस जो है वो जुल्म के खिलाफ रही है और जुल्म के खिलाफ है, चाहे वो किसी पे भी हो। मजलूमों के साथी हैं हम लोग, चाहे वो कोई भी करे। पार्टी का हमेशा से, पार्टी हमारी जो है मजलूमों के साथ थी, साथ है, साथ रहेगी, और जालिम कभी ना साथ थी, ना है, ना रहेगी। और दूसरी चीज़ यह है कि हम गंगा जमनी जो तहजीब है हिंदुस्तान की, उसको मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी मानने वाली है। हम गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में भी हमारी पार्टी और हम लोग अपना अहम योगदान देंगे। अभी तक चुनाव में देखा गया है कि आपकी ही पार्टी ने डमी कैंडिडेट खड़े करे। कभी कोई पार्टी डमी कैंडिडेट नहीं खड़े करती। इस बार क्या लगता है आपको कि जोर शोर के साथ कांग्रेस जो है अपना जलवा बिखेर पाएगी रामपुर की? ऐसा है, अब हर पार्टी को जनता ने खूब परख लिया है। अब जनता का नारा है आ लौट चले कांग्रेस की ओर। रामपुर में लगातार कांग्रेस में जो है उठा पटक चल रही, आपस में कांग्रेस फटी हुई दिखाई दे रही, क्या है? कांग्रेस में कोई अटक पटक नहीं है, आपको महसूस हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो कुछ दल बन गए कांग्रेस के अंदर? कोई दल नहीं है। सब साथ हैं? सब साथ। क्या कहना चाहेंगे कोई मैसेज जनता के लिए? जनता के लिए मैंने भी आपको बताया कि हमारा यही मैसेज है कि मतलब जनता खुशहाल रहे और एकता, हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग एक साथ रहें और कोई भी सांप्रदायिक ताकत जो है वो आपस में एक दूसरे को जुदा ना कर सके। युवाओं को रोजगार मिले, खुशहाली रहे